ये कहानी है एक पिता और एक पुत्र की जो समुद्री रास्ते से कहीं जा रहे थे। बीच समुद्र में तूफान आई और दोनों बिछड़कर अलग अलग टापू पर पहुंच गए। लड़के और पिता ने टापू पर जाकर प्रार्थना शुरू कर दी कि शायद प्रार्थना से भगवान उनकी सुन ले और वह बच जाए। लड़का कहने लगा कि यह कैसा वीरान टापू है, पेड़ भी नहीं है, फल भी नहीं है, कुछ खाने के लिए भी नहीं है। आंखें खोली तो उसके सामने एक फलों से लदा हुआ एक पेड़ दिखाई दिया। उसने कहा, क्या बात है, और जाकर फल खा लिए। वो फिर से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, अब इतना वीरान टापू अब सुंदर बन चुका है तो क्यों ना मेरा परिवार यहाँ आकर बस जाए। आंखें खोली तो झोपड़ी बनी हुई थी और पास में एक सुंदर स्त्री खड़ी हुई थी। उसने कहा, क्या बात है, सब कुछ कर ही दिया है तो एक नाव का इंतजाम भी कर है, दो तो यहाँ से निकल जाऊं प्रभु। जब आंखें खोली तो एक नाव किनारे पर तैर रही थी। लड़का खड़ा हुआ और स्त्री को लेकर दौड़ा और नाव में चढ़ गया। तभी आकाशवाणी हुई, और बेटा अकेले अकेले जा रहे हो, अपने पापा को साथ नहीं ले जाओगे। लड़के ने कहा, मेरे पापा ने कर्म ही ऐसे किए हैं, उनकी आप एक भी प्रार्थना नहीं सुन रहे हो, वरना अभी तक उन्हें भी सब कुछ मिल जाता। आकाशवाणी ने फिर पूछा कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता क्या मांग रहे हैं। लड़के ने कहा, बताओ। आकाशवाणी ने कहा, तुम्हारे पिता जो मांग रहे हैं उन्हें वो सब मिल रहा है। तुम्हारे पिता कह रहे हैं कि मेरा बेटा जो मांगे उसे सब देते रहना, उसकी हर प्रार्थना स्वीकार करना। छोटी सी कहानी जो सिखाती है, आखिर में वो माँ बाप ही होते हैं जो बिना किसी शर्त के हमसे प्यार करते हैं। किसी वजह से अगर दूरी बन भी जाए तो तुरंत बात करिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और उनका साथ कभी न छोड़िए।